दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑनर ब्रांड के फोन्स के बारे में, जो कि 10,000 से नीचे की रेंज होगी या 15,000 या 20,000 तक में जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं ऑनर एक सब ब्रांड है हुआवे कंपनी का। 2011 में जो है हुआवे ने इस ब्रांड को बनाया और 2013 से ये जो बजट सेगमेंट के जो फोन होते हैं उनको बनाना ऑनर ब्रांड के थ्रू उन्होंने शुरू करा। हुआवे जो है वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का ब्रांड है मोबाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो। एप्पल के बाद जो नंबर आता है वो हुआवे का आता है, तो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। और अगर बात करते हैं प्रोसेसर्स की तो हुआवे के फोन में या फिर ऑनर के फोन में ज्यादातर जो प्रोसेसर होते हैं 90% जो प्रोसेसर होते हैं उनके खुद के किरीन जो प्रोसेसर की जो रेंज है वो उसके होते हैं। कुछ फोन्स आपको मिल जाएंगे जिनके साथ कुछ स्नैपड्रैगन के भी प्रोसेसर मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है इनके प्रोसेसर खुद के होते हैं। जो ब्रांड अपने खुद के प्रोसेसर बनाता है यकीन कीजिए दोस्तों वो काफी बड़ा एक ब्रांड होगा, क्योंकि प्रोसेसर का जो सेटअप लगाने की कॉस्ट है वही बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट आ जाती है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है प्रोसेसर, ऑल अबाउट प्रोसेसर, अगर आपको वो देखना है तो डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से मालूम पड़ता है कि ब्रांड जो है वो कितना कॉन्शियस है अपनी क्वालिटी को लेके, खुद की उनकी प्रोडक्शन यूनिट का होना और काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है एक्सक्लूसिवली ऑनर ने मार्केट के अंदर उतारे, जो कि अगर आप बात करते हैं ग्लासी लुक जो है, ड्यूल टोन लुक जो है, और काफ़ी सारे ब्रांड ने जो है रिप्लीकेट भी करा, जो है इंस्पायर हुए उस काइंड ऑफ मतलब डिज़ाइन से। तो एक तरह का नए जो है डिज़ाइन लेके आना, और कैमरा क्वालिटी हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी बैकअप जो है हमेशा से ऑनर के फ़ोन में काफ़ी अच्छा रहा है। जो उनके प्रोसेसर होते हैं काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर ही होते हैं। कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली गारंटी से मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इस अंदर मिलती है। तो ये तो ऑनर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होगी, लेकिन डेफिनेटली जो फ़ोन के अंदर कमियाँ होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। जिन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो अच्छी बातें होंगी तो ज़रूर बताई जाएंगी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। सबसे पहले हम जो फोन की बात करेंगे वो है ऑनर का 9N। काफी अच्छे प्राइस पर भी ये मिल रहा है, 8,499 रुपए का। 5.84 इंचेस की HD इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको 19:9 का रेशियो मिल जाएगा। 2.5D का आपको कर्व ग्लास यानी कि गोरिल्ला ग्लास आपको मिलने वाला है। नॉच वाला ये डिस्प्ले है, वही जो मैं बात कर रहा था मिरर इफेक्ट, मतलब काफी अच्छा जो है देखने में लुक इसका आपको मिलेगा। क्रीन का 659 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा, 2.36 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। 3 GB की इसमें आपको रैम मिलेगी और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी। 16 MP का कमाल का सेल्फी कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है, और बैक की अगर बात करता हूँ तो 13 MP प्लस 2 MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है, जो कि 2 MP आपको बुके इफेक्ट लाने में आपके काम आएगा। 3000 mAh की तरफ आपको बैटरी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होता है इन फोन्स का, तो ये तो थी वो खूबियाँ जो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो आपको देखने वाली चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ। हाइब्रिड सिम स्लॉट इस अंदर आपको मिलने वाला है, तो 2 SIM लगाने के बाद अलग से आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी फ़ोन जो है इस रेंज के अंदर डेफिनेटली काफ़ी कमाल धमाल फ़ोन है। दूसरे अगर फोन की बात करते हैं तो वो है ऑनर का 8C, 10,999 रुपए के अंदर आपको ये मिलेगा, जिसके अंदर आपको 4 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 632 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। 6.26 इंचेस की आपको HD नॉच वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। 13 MP प्लस 2 MP का आपको ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा, जिसके अंदर 13 MP जो कैमरा है 1.8 के अपर्चर पे चलता है, जो कि आपको मतलब लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी इमेजेस आपको लाके दे देगा। 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसके अंदर आपको सॉफ्ट LED का फीचर मिल जाएगा, तो AI से लेस है, काफ़ी अच्छी आपकी सेल्फी निकाल के दे देगा। 4000 mAh की इस अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है, और एंड्रॉयड का 8.1 आपको इस अंदर मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑनर का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम EMUI 8.2 भी इस अंदर आपको मिल जाएगा। डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट इस अंदर आपको मिलता है, साथ ही आपको मिलता है गेमिंग मोड। गेमिंग मोड के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब आप गेम खेल रहे होते हैं कोई ऑनलाइन, तो ऐसे में बाकी प्रोसेसिंग को रोक देता है, या फिर और जो ऐप्स जो होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनको भी रोक देता है, ताकि आप ऑनलाइन जो गेमिंग खेल रहे हो तो उसके आपको परफॉर्मेंस में दिक्कत ना आए। तो गेमिंग मोड इस अंदर आपको मिल जाएगी लगभग 10,000 रुपये के आसपास में। एक ऐसा फ़ोन है स्नैपड्रैगन 632 के साथ, रैम भी अच्छी है, आप बात करें तो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी अच्छी है। दोस्तों, अलग से मेमोरी स्लॉट भी मिल रहा है, तो इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको थोड़ी सी कमी इसके अंदर बता सकूँ। डेफिनेटली 10,000 के आसपास का रेंज है, और अगर आपको ऑनर का फ़ोन लेना है तो इस फोन के लिए ज़रूर जाइएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप क्लिक करके सीधा उसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे अगर फ़ोन की बात करूँ तो वो है ऑनर का 8X। मैं बात कर रहा हूँ 14,999 रुपये वाले मॉडल के बारे में, जिसके अंदर 4 GB की रैम और 64 GB की आपको स्टोरेज मिल जाएगी, जिसे आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। 20 MP प्लस 2 MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है।
साथ ही 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, 6.5 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मतलब फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको सर मिलने वाली है 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। किरिन 710 जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ प्रोसेसर है वो इस अंदर आपको मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट आपको मिलेगा यानी कि दो सिम लगाने के बाद अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 3750 mAh की दमदार बैटरी मिलने वाली है। ड्यूल वर्ल्टी का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का सपोर्ट इसमें मिलने वाला है। एक पूरी तरीके से अच्छा फोन ऑनर का इस रेंज के अंदर। डेफिनेटली अगर बजट आपका जाता है तो इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं अगले फोन के बारे में जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है ऑनर। ये दो फोन मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, इससे अगले जो मैं बताने वाला हूँ। पहला है ऑनर 10 लाइट, ये आपको 13,999 रुपये का मिल जाता है। मैं बात करता हूँ 4 GB RAM और 64 GB वाले वेरियंट के लिए। एक इसका अलग से वेरिएंट और आता है 6 GB RAM और 64 GB वेरिएंट वाला जो कि 17,999 रुपये का मिलता है। वाटर ड्यू नॉच इसके अंदर मिलने वाली है, जो नॉच है वो काफ़ी कम इसके अंदर हो जाते हैं। 6.2 inches की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगी। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा जो है 1.8 के अपर्चर पर चलता है। 24 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है जो कि 2.0 के अपर्चर पे है। 3400 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ ही आपको किरिन का 710 2.2 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलने वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। Android 9 आपको आउट द बॉक्स मिलेगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट फ़ोन है, अगर आपका 15,000 के आसपास का बजट जाता है तो इस फोन के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट फोन जो डेफिनेटली मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जिसने मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लैगशिप फोन को टक्कर दी है इस रेंज के अंदर। प्रीमियम रेंज वाला आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, कमाल धमाल आपको बॉडी मिलने वाली है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो फ्लैगशिप वालों को भले फ्लैगशिप फोन को टक्कर देने वाली इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। ये है ऑनर का प्ले जो कि आपको 16,999 रुपये का मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज वाले मॉडल के बारे में। किरिन का 970 जो कि फ्लैगशिप के फोन्स के अंदर लगने वाला जो प्रोसेसर है वो आपको मिल रहा है। 3750 mAh की तरफ आपको बैटरी मिल जाएगी। 9W 2A यानी कि 18W का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी और 16+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिल जाएगी। AI और EIS दोनों से लेस है। 6.3 inches की फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है। मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन है और साथ ही मिलेगी आपको लार्ज स्क्रीन, लेकिन इतनी बड़ी नहीं लगती है क्योंकि बॉडी जो एस्पेक्ट रेशियो है बॉडी टू स्क्रीन का वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। जो नॉच है वो काफ़ी कम मतलब काफ़ी छोटी नॉच इसके अंदर दी गई है। काफ़ी अच्छा कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक तो हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे अगर आपने दो सिम लगा दी है। और जो EIS है वो आपको 4K यानी कि 1080 पिक्सल पर नहीं मिलने वाला है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये फ़ोन डेफिनेटली आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों, ये मेरी श्योरिटी है। आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं अगर आपका बजट जो है अलाउ करता है, इस रेंज के अंदर जाता है। ये थे वो फ़ोन जो ऑनर के 10,000 से नीचे की रेंज से स्टार्ट होकर 20,000 तक जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ में चैनल में चल रहा है गिव अवे, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, मैं निकालूंगा इसका लाइव रिजल्ट जिसके अंदर आप जीत सकते हैं काफ़ी सारे हेडफोन्स, गेमिंग हेडफोन भी इसके अंदर है। कॉमेंट करके नीचे आप बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।